Hi guys, welcome to Balance Scorecard. Now, a concept made by Robert Kaplan. Out of all the measures of how to evaluate a company, might be this is something that is most important. Balance Scorecard. In this world of today, whereby mergers, acquisitions happens a lot, it is very important that we evaluate how good a company is. Balance Scorecard is a performance evaluation system. It is one of the five things jo aapke portion ke andar hai. Balance Scorecard, building block model, uske baad triple bottom line. You have five concepts, no? Performance prism and performance pyramid. Okay. Out of that, I really try to think that most of the questions can be coming on Balance Scorecard as such. They have good scope of asking the questions under this model. Now, what is Balance Scorecard? Isse pehle kya ho jata tha? ट्रेडिशनली हम लोग हर एक कंपनी को फाइनेंशियली ही मेजर करते थे दैट फाइनेंशियली विच कंपनी इज बेस्ट उसका प्रॉफिट देख लो एसेट्स देख लो फिर रेवेन्यू देख लो दीज ऑल फाइनेंशियल मेजर्स लेकिन क्या हो जाता है दो चीज़ें अगर कोई कंपनी आज फाइनेंशियली अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर भी अच्छा रहेगा नोकिया एक टाइम पर कितना ऊपर था आज ऊपर नहीं है समथिंग चेंज राइट सो वी वॉन्ट टू बी डूइंग इवेल्यूएशन नॉट ओनली फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल और क्या हो जाता है व्हेन यू टेल योर एम्प्लॉयज नो आई विल इवैल्यूएट यू ओनली बेस्ड अपॉन द रेवेन्यू दैट यू गिव टू द कंपनी और ओनली बेस्ड अपॉन प्रॉफिट तो देर इज अ काइंड ऑफ अ रश टू इंक्रीज द रेवेन्यू देर इज अ रश टू डिक्रीज द कॉस्ट लेकिन वो सब चीज़ों के अंदर कस्टमर सफर्स तुम लोग कुछ भी बोल के प्रोडक्ट बेच दोगे तुम लोग बेकार क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते रहोगे ताकि प्रॉफिट जो है तुम्हारा बढ़ते रहे तो इसलिए वी ऑलवेज थॉट व्हाई टू इवैल्यूएट अ कंपनी ओनली फाइनेंशियली व्हाई नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस टू इवैल्यूएट द कंपनी फ्रॉम ऑल द एंगल्स की कंपनी सारे एंगल्स के अंदर कैसा कर रहा है ऑल्सो डू वॉच माई लेक्चर ऑन एमेजॉन वर्सेज फ्लिपकार्ट दैट आई हैव पुट जहाँ पे आई हैव ट्राइड टू आस्क द स्टूडेंट्स दैट ट्राई टू रिकमेंड व्हाट कुड बी द केपीआईज एंड सीएसएफ व्हिच अगेन आई विल बी सेइंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर तो वहाँ पे आई गॉट सच रिस्पॉन्सेज सो मेनी कमेंट्स आई हैव गॉट कि सर ट्राई टू इवेल्युएट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट फ्रॉम द डिलीवरी एंगल कस्टमर केयर उनका वेबसाइट कैसा है सर उनका ऐप कैसा है रिटर्न्स कैसे हैं सो मेनी क्राइटेरियाज आई गॉट ओके सम पीपल पोस्टेड 74 क्राइटेरियाज ऑल्सो ओके वन सिंगल पर्सन इन फैक्ट ओके सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस तो फाइनेंशियली हम लोग को मेजर नहीं करना फाइनेंशियल मेजर वी ऑफन से इज अ शॉर्ट टर्म मेजर शॉर्ट टर्म मेजर जहाँ पे अगर तुम लोग कोई कंपनी को सिर्फ फाइनेंशियली ही स्कोर करोगे तो पता चल जाएगा कि यार आज प्रॉफिट कमाता है लेकिन कल का क्या परसों का क्या ओके व्हाट आफ्टर 5 years विल दिस कंपनी रिमेन ओके देर शुड बी अदर वेज टू मेजर वेदर अ प्रॉस्परस कंपनी टुडे विल रिमेन अ ग्रेट कंपनी आफ्टर 5 years ऑल्सो नॉट अपने पिछले 20 साल देखो वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस हैव चेंज सो मच फोर्ड कंपनी किधर था आज किधर पहुंच गया सो मेनी कंपनीज कितनी कंपनीज का एग्जाम्पल है वेयर दे वर वे आर दे आर टूडे वेयर वॉज नोकिया एट वन टाइम वेयर इट इज नाउ वेयर वॉज अ कंपनी लाइक मोटरोला जो फोन्स बनाता था आज कहाँ है वो सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड टूडे ओके माइट बी समथिंग वॉज फॉल्टी सो वी वॉन्ट अ होलसम एक्सपीरियंस वी डू नॉट वॉन्ट टू मेजर यू ओनली फाइनेंशियली वी विल मेजर यू फ्रॉम एवरी एंगल जरा सोचो कोई एक स्टार्टअप जब भी वो होता है फेसबुक जब भी स्टार्ट हुआ था गूगल जब भी स्टार्ट हुआ था वो लोग का फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो जीरो था बट दे गॉट फाइनेंस नो फ्रॉम इन्वेस्टर्स हु बिलीव दैट समथिंग वॉज देयर इन दीज कंपनीज ताकि दे विल सर्वाइव इन द फ्यूचर ऑल्सो Concept of balance scorecard, I will measure you from 4 angles, financial angle. I will see what do customers think about you, customer perspective. I will think आपका internally working कैसा है आप क्या technology use करते हो आपके जो अंदर के जो procedures हैं वो कैसे चलते हैं Training, development, learning and growth, this is your future angle. Are you putting money in research and development? Are you training your workers ताकि they all know the new things? Are you being updated with the technology? Are you using new machines? Are you launching new products? Okay, all those things will cover up over here. Now, as for me, this is the best angle of this particular thing. अगर आप एक अच्छा company है ना who wants to be scaling up in future, it is very important कि आप हर criteria के अंदर अपना objectives decide करो
और ये डिसाइड करो कि वो ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने को क्या चीज़ देख के पता चलेगा. ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. यू अचीव दीज थिंग्स टू गेट सक्सेस, दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा यू आर अचीविंग योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और नॉट, तो कोई ना कोई चीज़ देखना पड़ेगा. दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. इन Amazon वर्सेस Flipkart बेसिकली आई ओनली आस्ट यू लिस्ट मी ऑल द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. दैट वॉज ओनली थिंग दैट आई आस्ट यू ऑल. सो लेट मी इवेल्युएट यू फ्रॉम फोर एंगल्स. फाइनेंशियल एंगल, सपोज अपना वी हैव आर अकेडमी इन मुंबई. हमारा हर जगह पर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा हूँ वो मेजर कैसे करेंगे. फर्स्ट फाइनेंशियल एंगल, आई वांट टू हैव हाईएस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इन CA मार्केट. दैट इज़ माय ऑब्जेक्टिव. हाउ विल यू सी दैट? सर आई विल मेजर दैट बाय द रेवेन्यू दैट आई गेट. आई विल मेजर दैट बाय द रेवेन्यू ग्रोथ. I will measure that by number of the students who study from us, etc. Customer angle, what do customers think about us? Are they giving good rating to us? Okay, that is I'm trying to review from customer's angle, customer perspective. How will I measure that? I can take a feedback form that I got it filled from you all. Okay, that is our way of trying to know that are we doing good justice to the students or not? Are we starting on time? Are we ending on time? Are we doing the best content in the market? Okay, are we trying to take care ki kal ko kuch future cheez aaya, kuch new cheez aaya, we have taught you that particular thing. For a customer, for a student, that is whatever matters the maximum. Third, internal business. Is my admission process a seamless kind of a process? Whenever the batch starts, do the students get the book at that particular time only? I want the students should get the book at that particular time. I want in this case that my admission process can be automatized also. Online bhi ho sakta hai. Okay. So how will you find out that? Ki wo wala cheez barabar chal raha hai ki nahi chal raha. Aap dekho ki kitne logo ko first day books nahi mila tha. That would be an indicator that is my process smooth or not. One more way. Suppose last day पर admissions वो ज़्यादा आता है तो line लगना start हो जाता है. अगर line लगता है means my internal systems is not very good. So try to find out how many people are waiting to take the admission. आप लोग कुछ internally ऐसा कर सकते हो ताकि in this particular case your internal procedures are far faster. Example, कोई change आया. Suppose indirect tax, how fast we communicate to our students, that is whatever, that will be our internal system. Wo wala cheez customer perspective ke andar bhi aa sakta hai. Okay. Training and development, I want that you get the best updated material. I think ki koi bhi future ke concepts agar aa rahe hain, you are updated. To uske liye I try to send my teachers for training. से नया GST आया, दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स. हाउ विल आई नो दैट वेदर वी आर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव और नॉट? से वन ऑफ द वेज, हाउ मेनी आवर्स माई टीचर्स अटेंड एंड गिव द सेमिनार्स ऑफ ICAI. ओके, दैट इज वॉट एवर कुड बी अ इंडिकेटर. ओके, सो ट्राई टू थिंक इन रेफरेंस टू द कंपनी दैट यू आर ट्राइंग टू टॉक ऑफ. तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो कैसे पता चलेगा. ओके, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो लोग आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं. दे माइट आस्क यू दैट क्लासीफाई इन टू दीज फोर क्राइटीरियाज. ये मैंने Amazon और Flipkart के लिए किया. याद रखना कोई एक चीज़ दो परस्पेक्टिव के अंदर भी आ सकता है. एग्जाम्पल, Amazon का लॉजिस्टिक्स कैसा है, ये इंटरनल एंगल के अंदर भी आएगा. और सेम चीज़ कस्टमर्स के लिए, डिलीवरी मैटर्स, तो वो कस्टमर एंगल के अंदर भी आ सकता है. ट्राई टू थिंक योर सेल्फ. Disadvantages of only financial measure. जब आप employees को बोलते हो ना revenue ज़्यादा कमाओ, profit ज़्यादा आना चाहिए, that is financial measure. Disadvantages हैं, they don't concentrate on quality. Long run के अंदर in that particular case your company might suffer. How a balanced scorecard can help or improve the company? तो obviously it will bring into the other magnitudes also. Example, आज आप कोई भी
सपोज कार खरीदते हो, एक महीने के बाद वो कंपनी आपको फ़ोन करेगी, सर आर यू सैटिस्फाइड विद द कार, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी तरफ से, कैन वी डू समथिंग टू हेल्प यू, दीज आर कस्टमर परस्पेक्टिव, हाउ सैटिस्फाइड द कस्टमर इज, ओके. सो दीज थिंग्स हेल्प द कंपनी टू रेज इट्स स्टैंडर्ड, इट हेल्प्स देम टू बीट द कॉम्पिटिशन, इट हेल्प्स देम टू नो वेदर द कस्टमर इज सैटिस्फाइड और नॉट. क्या हो जाता है, याद रखना, वन बैड कस्टमर will tell to 100 customers this company is bad, but one good customer might also tell to 10 different people this company is good. So every angle matters. Financial angle obviously matters, business ke na paisa kamane ke liye hai. Customer is satisfied or not, tabhi future ke andar apne ko aur revenue aayega. Aapka internal angle, TQM, TPM, wo sab kuch aap implement kar rahe ho ke nahi, TQM, TPM, जस्ट इन टाइम, ये सब कुछ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, दैट इज़ योर इंटरनल परस्पेक्टिव. एंड आर यू बींग रेडी फॉर द फ्यूचर, कितना आर एंड डी करते हो, कितने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, ऑल दोज थिंग्स विल मैटर. ओके, नाउ उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस पढ़ पाओ प्लीज़ पढ़ के जाना ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड. दिस इज समथिंग दैट आईसीआई थिंक वॉन्ट्स दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी नोइंग, क्योंकि इन्वेस्टर्स आजकल जो स्टार्टअप्स के ना इन्वेस्ट करते हैं, दे ट्राई टू मेजर द परफॉर्मेंस लाइक दिस. ओके, थैंक यू, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय.